कैमूर जिला के चैनपुर प्रखंड के करकटगढ़ जलप्रपात, यहाँ पे आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ था और जो है उन्होंने यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच में उनकी यहाँ आगमन हुई। उसके बाद जो है जो इको पार्क जो बनाई गई थी, इको पार्क में जो है उन्होंने अपना सर्वेक्षण किया। जो सर्वेक्षण में उन्हें खामियां नज़र आई, उसे सुधारने के लिए जो है अपने अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए कि इसको सुधारा जाए। और प्रेस वार्ता में उन्होंने यही कहा कि हम यहाँ एक बार पहले आए थे और जो हम बोल कर गए थे उसको पूरा किए, और आज जो है फिर इसमें जो खामियां नज़र आएगी उसको भी पूरा करेंगे और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे। तो मेरी इच्छा हुई कि आकर देखें और आकर के देखा कि इतना बढ़िया जगह है, इसको खूब अच्छे ढंग से हम लोग इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस काम को करेंगे। इको टूरिज्म को ध्यान में रख करके ही बहुत सारी बातें उसमें जो कही गई, तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। आज भी हमने बात किया तो बीच में तो 2.25 साल चलता रहा ये कोरोना के चलते, जो कहीं कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन इधर फिर मेरे मन में ये बात आई एक रोज कि भाई उसमें हम गए हुए हैं और पता चला कि यहाँ काफ़ी कुछ आने रास्ता वगैरह बनाए हैं, तो इच्छा हुई कि जाकर के देखेंगे। तो आज देख लिया है कि इसको और कैसे विकसित करना है, जो पहले बता चुके थे, आज भी उस पर चर्चा हो गई है। देखिएगा एक समय आएगा, सब कुछ होगा, तो ऐसे तो लोग आते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ेंगे और बहुत अच्छी जगह है ये, एक खास जगह पर है। अब आप सोच लीजिए कि इस समय, आज कितना तारीख है, आप सोच लीजिए इस समय, अब इसके बाद तो पूरा गर्मी का दिन है, अब बरसात तो कुछ दिन के बाद आने वाला है, लेकिन देख लीजिए कि अभी भी इसमें जिस प्रकार से देख रहे हैं कि सब कुछ ये इस पूरे सड़क और मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के इलाकों में भी जो इस तरह से जो दिखाई पड़ता है जल का, तो इसको देख लीजिएगा कि ये बहुत ज्यादा होगा, लोग नहाना चाहेंगे, कई लोग देखना चाहेंगे, तो काफी बात हुई है सर सड़क और इसके लिए सब कुछ सब ठीक ढंग से चारों तरफ लोगों के रुकने के लिए भी और बैठने के लिए भी और सब जगह देख लेंगे, तो कुछ कोई कुछ खाना चाहे तब भी। और हमने ये कह दिया है कि सब जो हम लोग बच्चे बच्चियों को तो हर जगह घूमने का करवाते हैं इंतजाम 2006 से ही, तो इस तरह से ऐसे जगहों पर भी लोग देखेगा तो अच्छा रहेगा और एक एक चीज के बारे में जानेगा। तो लोग स्कूली बच्चों को सर सड़क नहीं और मोबाइल बात हुई है, वो सब बात हुई है ताकि लोगों को आने में सुविधा हो, कहीं से भी जो लोग आएंगे, जो इसको इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे, पहले से बात हुई है कि लोग आ करके उनकी गाड़ी रुकेगी और उसके बाद फिर जो नज़दीक में जितना है इन जगहों पर पैदल चल करके घूमेंगे, लेकिन यहाँ आने का रास्ता तो वही कहा ही गया ना बना करके, ताकि लोग ठीक ढंग से आ जाए दूर दराज, तब सुविधा होगी। और फिर यहाँ पर जब सब चारों तरफ घूमेंगे, जैसे हम ही कैसे पैदल घूमें, इसी तरह से लोग भी, और थोड़ा और नीचे तक गाड़ी रहेगी, बाकी सब लोग घूमेंगे तो बहुत आनंद।